हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा हिंदी की टेस्ट सीरीज़ में जो 15 टेस्ट की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारा चौथा मॉक टेस्ट है। इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। जिन्होंने पहले 3 टेस्ट नहीं लगाए हैं वो उन टेस्ट को भी लगा लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठना ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, देवर, भतीजा, या फिर जेठ, या फिर पुत्रवधू। पूछा क्या है? तत्सम पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, पुत्रवधू, ठीक है। पुत्रवधू तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो पतोह होता है, ठीक है। इसके अलावा जो देवर है वो तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो द्विवर होता है, और जो जेठ है उसका जो तत्सम होगा वो ज्येष्ठ होगा, और भतीजा का भ्रातृज्य होता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करना है। यहाँ पर तद्भव पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं गोसाई, जाड्य, संतापन, या फिर विक्षोभ। तो पूछा क्या गया है? तद्भव। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा गोसाई, ठीक है। क्योंकि गोसाई का जो तत्सम होता है वो होता है गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी होता है। रही बात जाड्य की, तो जाड्य का होता है तद्भव जाड़ा, और संतापन का होता है संतापन का सताना होता है, और विक्षोभ का होता है विक्षोह, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं आपको, पुरुषार्थ का दे रखा है पुरुषार्थ, भतीजा का दे रखा है भारतज्य, घी का घृत, और गोद का कोड। अब बताना क्या है कि इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो जो सही है ना वो है आपका पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा, यानी कि जो ए है वो सही है, बाकी सब गलत हैं। अब गलत क्यों है? क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको खुद ही बताया था ऊपर कि भतीजा का क्या होता है? भ्रातृज्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर रहा आएगा। उसके अलावा इसमें ये नीचे वाला रहा आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, भ्रातृज्य हो जाएगा। और घी का घृत होता है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा घृत, ठीक है। उसके बाद आता है गोद, गोद का क्रोड होता है, क्रोड इस तरीके से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर सही शब्द युग्म बताना है। खटिया का खटवा लिखा हुआ है, तीरथ का तीर्थ, दुपट्टा का द्विपट्ट, सरजोना का सज्जापन। तो बताना क्या है हमको, सही कौन सा है? क्या सही? यहाँ पर तद्भव दे रखे हैं, यहाँ पर तत्सम दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि तीरथ का तीर्थ होता है, ये करेक्ट है। उसके अलावा सारे गलत हैं। अब गलत क्यों है? देखिए जो खटवा होता है ना वो खाट का होता है, ना कि खटिया का, ठीक है। तो खाट आएगा यहाँ पे। अब रही बात दुपट्ट की, तो ये होता है दुपट्टा का, दुपट्टा नहीं होता, दुपट्टा होता है। और जो सज्जापन है वो होता है सजाना का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं, चकवा, चाकू, चक्र, या फिर चक। तो यहाँ पर चाक का तत्सम रूप पूछा गया है, करेक्ट आंसर है चक्र। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चकवा का जो तत्सम होता है वो चक्रवाक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, अश्व, घट, घोटक, या फिर घटक। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे आई थिंक मुझे लगता है इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, घट और घटक तो आप नहीं ही करोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि घोड़ा का तत्सम क्या होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर घोटक होगा, याद कर लीजिएगा इसको, घोटक होगा, अश्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अश्व जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है, और रही बात घट की, ये घड़ा का होता है, ठीक है, घट जो है घड़ा का तत्सम है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं, तांबा, ताम्र, ताम्ब, या फिर ताम्र। तो ये तो इजी है, आप सभी बता दोगे ताम्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ओझा, ईंधन, औंधा, या फिर कृष्ण। जो तत्सम है इसमें से वो आपका हो जाएगा कृष्ण।
क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो तद्भव होता है वो कान्हा होता है, ठीक है। ईंधन का ईंधन होता है, ओझा का उपाध्याय होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, और रही बात औंधा की, औंधा का क्या होता है, औंधा का अवमूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में जो दिए गए शब्द हैं उनमें से हमें ये बताना है कि तद्भव कौन सा है इनमें से। ऑप्शंस है मौत, पाषाण, पुष्कर या फिर क्षेत्र। तो इसमें से तद्भव बताना है, इजी है, मौत हो जाएगा क्योंकि इसका जो तत्सम होगा वो मृत्यु होता है। रही बात पाषाण की, इसका पाहुन होता है, और पुष्कर का पोखर होता है, और क्षेत्र का खेत होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमें बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं अनुसूया, संकट, एनक या फिर संशय। यहाँ पे संकट लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। तो संकट ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पे ऐसे बिंदी आती है और ये नानी आएगा यहाँ पे, तब ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये अशुद्ध है, आंसर बी होगा यहाँ पे, क्योंकि उसने अशुद्ध पूछा है, ठीक है, बाकी सब सही है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पर सही पूछा गया है, चिन्ह, दवाइयाँ, निर्भर या फिर कृपया। तो सही पूछा गया है यहाँ पे हमसे, तो सही कौन सा है इसमें, देखो निर्भर बिल्कुल सही है लेकिन कृपया भी सही है, यहाँ पर दो सही हैं, दोनों जो ऊपर वाले हैं वो गलत हैं, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो गई है, अदरवाइज वैसे ही दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शंस दे रखे हैं परीक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्ष एंड नेक्स्ट है परीखा। बताना क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ना वो है बी, यानी कि मुमूर्षु, ये सही हो जाएगा। बाकी के सारे गलत हैं, क्योंकि देखो परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है, ठीक है। और इसके अलावा तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये परीखा नहीं होगा, इसका भी परीक्षा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, यानी कि कौन सा गलत नहीं है, तो ये बताना है। ऑप्शंस हैं आपके आरोज, ऊर्जस्वी, ईसाई या फिर औतुसुक्या, ठीक है। तो जो अशुद्ध नहीं है, कहने का मतलब वो सही पूछ रहा है हमसे, तो जो ऊर्जस्वी है वो सही हो जाएगा, करेक्ट जो आंसर है वो बी हो जाएगा। पहला है आरोज नहीं होता, आरोग्य होता है, ईसाई तो नहीं होता है, वो ईसाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस है भूधर, भूगर्भवेत्ता, पुराविद या फिर पार्थिव। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको बोलते हैं भूगर्भवेत्ता, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्शंस दे रखे हैं, भूधर क्या होता है, भूधर होता है जो भूमि को धारण करे, ठीक है। पुराविद क्या होता है, जिसको प्राचीन काल की जानकारी होती है। पार्थिव वो होता है जो पृथ्वी से संबंधित हो, ठीक, करेक्ट आंसर यहां पर बी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, यानी कि किसी कार्य को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसके लिए आपको एक वर्ड बताना है। ऑप्शंस है आपके अनुदान, तकाव, दक्षिणा या फिर ऋण। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुदान, क्योंकि देखो कृषि कार्य के लिए या फिर किसानों को जो दिया जाता है ना उसके लिए तकाव होता है, तकावी वैसे यूज किया जाता है वर्ड, और वैसे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो अनुदान है, ठीक है। दक्षिणा तो दान के लिए जो दिया जाता है, ऋण तो पता है आपको किसी पर जो भी कर्ज होता है यानी कि उधार जो धन लिया जाता है उसको हम ऋण कहते हैं, ठीक है। और जो भेंट स्वरूप किसी को दिया जाता है उसको दक्षिणा कह देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीत अर्थक बताना है, बोले तो विलोम शब्द बताना है, किसका, स्तुति का। ऑप्शन दे रखे हैं शुभ, प्रशंसा, निंदा या फिर अशुभ। तो स्तुति का क्या होता है, निंदा होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी के इजी हैं, देखो शुभ का अशुभ होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी इसी का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनना है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर पुनर्जागरण, पुनर्जागरण ला या फिर पुनर्जागरण और पुनर्जागरण, ठीक है। बोलने में थोड़े थोड़े से एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन लिखा हुआ पूछा जाएगा वहाँ पर आपसे, करेक्ट आंसर सी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। अब क्या दर्शाता है, तो ये ऑप्शंस में पूछा जाएगा, प्रविशेषण है, विशेषण है या फिर आपका क्रिया विशेषण है या फिर विशेष है, ठीक है। तो उन्नत जो शब्द है वो आपका विशेषण है, क्यों, देखो बोलने में लग रहा होगा आपको कि उन्नत जो है विशेष है या जो भी है, उन्नत जो
मैंने सही बताया ना, मैं ही गलत हूँ। उन्नत जो शब्द है वो विशेषण है, उन्नति जो होता है वो आपका विशेष्य होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शंस हैं जलज, जलनिधि, जलचर या फिर जलधर। जल में रहने वाला पूछा गया है, ध्यान से जलज मत करके आइएगा। जलज वो होता है जो जल से उत्पन्न होता है, लेकिन जल को यहाँ पर जल में रहने वाला पूछा गया है, जलचर होगा, और जो जल को धारण करता है वो जलधर होता है, ठीक है। तो सबके बता दिए आपको मैंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। अब यहाँ पर एक शब्द दे दिया है, बताना है कि वाक्य कौन सा सही होगा उपयुक्त। ऑप्शंस हैं जिसकी चार भुजाएं हों, जिसके चार आनन हों, या फिर चार युगों का समूह, या फिर चार वर्णों का समूह। देखो बहुत ही ईजी सा है, ईजी ये है कि चतुर्भुज चार भुजाओं वाला होता है, यानी कि जिसकी चार भुजाएँ हों। अब इनके भी जान लेते हैं कि इसका क्या होगा। जिसके चार आनन हों, चतुरानन, चार युगों का समूह चतुर्युग, चार वर्णों का समूह क्या होता है चतुर्वर्ण, ठीक है, सही है ना सारे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। तो पवित्रता का विशेषण क्या होगा, देखो यहाँ पर ना आप कन्फ्यूज हो सकते हो। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं पवित्र, पवित्रात्मा, पवित्रम या फिर पाक। तो इसका जो आंसर होगा ना करेक्ट, वो होगा आपका सिर्फ पवित्र, आंसर ए हो जाएगा आपका। पवित्रात्मा नहीं करके आइएगा, ठीक है, बाकी तो आप नहीं करेंगे इन तीनों में से, तो कोई आंसर ए है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक आपको दे रखी है यानी कि मूलावस्था, दो आपको डैश दे रखी हैं, दूसरी कौन सी है, सॉरी दो जो दोनों हैं वो कौन सी हैं, यहाँ पर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए विशेष्य और प्रविशेषण होता है, सॉरी प्रतिविशेषण होता है, या फिर परिणाम और सार्वजनिक होता है, या फिर गुणवाचक और संख्यावाचक होता है, या फिर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होता है। फटाफट से आंसर कर दीजिए। देखिए मूलावस्था दे रखा है, उसके बाद उत्तरावस्था और उत्तमावस्था ही होता है। आपने पढ़े होंगे ना, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन करके आते हैं ना, नहीं 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 सॉरी ये मैंने खुद गलत बोल दिया, ठीक है। अरे जो डिग्रीज होती है ना, उस तरीके से उसमें आता है कि जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से आता है ना, तो ये उसी में है, ठीक है। जैसे अब हिंदी में एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि बृहत हो गया मूलावस्था में, बृहत्तर हो गया उत्तरावस्था में, और बृहत्तम यानी कि उत्तमावस्था, ठीक है। आंसर क्या है, डी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो विदेश में रहता है उसके लिए तो एक ही होता है, क्या, प्रवासी, ठीक है। अच्छा अंतेवासी क्या होता है, अंतेवासी वो होता है जो गुरु के समीप बैठ करके, जो छात्र वो लेते हैं गुरु के साथ बैठकर, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं जो भी, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है अंतेवासी, ठीक है। प्रहरी तो वही होता है कि पहरा देने वाला, और बचा कौन, बचा है आपका प्रगल्भ, ये होता है होशियार चतुर जो होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जो जानने वाला होता है उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं बहुभाषाविद, दुभाषिया, या फिर भाषी, या फिर बहुभाषिया। करेक्ट आंसर बहुभाषाविद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं मृदुल, निम्न, अल्प या फिर ऊध्व। तो जो प्रचुर का विलोम होता है वो अल्प होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्पों से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। विकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका होगा एकत्री, विस्तार, भीतर, वितरण या फिर एकत्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर एकत्री या फिर एकत्र होता तो वो भी सही होता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं सर्वज्ञ, सुलभ, सर्वजीत या फिर सुखद। तो जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए सुलभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी के बचते हैं जैसे कि सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, सर्वजीत सबको जीतने वाला, सुखद यानी कि सुख देने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द बताइए। तो समान रूप से जो ठंडा और गर्म होता है उसके लिए एक शब्द, ऑप्शंस दे रखे हैं समशीतोष्ण, समदर्शी, समकालीन या फिर शीतोष्ण। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि समशीतोष्ण, ठीक है। समान दृष्टि से देखे उसको समदर्शी बोल देंगे, ठीक है। उसके अलावा समकालीन, समकालीन का मतलब क्या होता है, जो उसी समय में रहने वाला हो उसको समकालीन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
25 रुपए दीजिए। अब बताना क्या है 25 रुपए दीजिए, इसमें विशेषण पहचानना है। ऑप्शंस दे रखे हैं क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक या फिर आवृत्तिवाचक। बताइए, देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर बता रखा है उसने कि 25 रुपए देने हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। अगर यहाँ पर ये होता कि कुछ रुपए दीजिए तो हो जाता वो क्या, अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन यहाँ पर उसने बता रखा है कि 25 यानी कि एग्जैक्ट नंबर दिया गया, इसलिए वो निश्चित संख्यावाचक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। उच्च श्रृंखला के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, ऑप्शन सॉरी समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो नहीं है। ऑप्शन है उद्दंड, निरंकुश, भुक्कड़ या फिर अक्खड़। बता दीजिए फटाफट से करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखो जो भुक्कड़ है ना वो आपका इस सबसे नहीं मिलता है, क्योंकि ये अलग है आपका। उद्दंड, निरंकुश और अक्खड़ ये सभी समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या फिर चंद्रग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको बोलेंगे चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस हैं निर्दय, निर्भीक, निशंश या फिर निर्मम। देखो जिसके हृदय में ममता न हो उसको बोलेंगे निर्मम, ठीक है, और जिसके हृदय में दया न हो या क्षमा न हो या ये न हो तो उसको क्या बोलेंगे, निर्दय। आंसर यहाँ पर ए है, सॉरी डी है, ये नहीं है, ये मैंने बता दिया है, लेकिन ये आंसर यहाँ पर डी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शंस हैं तरुण, कोलाहल, समझदार या फिर पारिवारिक। तो किशोर का समानार्थी क्या होगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तरुण। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हैं तटिनी, ऊषा, सरिता या फिर नध्य। तो जो नहीं है वो है ऊषा। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊषा जो है वो सुबह का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। दिए गए विकल्पों से अनुकूल का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम बताना है बेसिकली। तो ऑप्शंस दे रखे हैं प्रतिकूल या फिर नियमित, अन्याय या फिर नकली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानिए। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं रंग, आसमान, नीला या फिर आकाश। पहचानना क्या है, विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आसमान, क्योंकि आसमान नीला है तो आसमान की विशेषता बताई जा रही है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विप्र शब्द का समानार्थी है। ऑप्शंस दे रखे हैं सहचर, याचक, ब्राह्मण या फिर विधाता। विप्र शब्द का जो समानार्थी है वो है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्रय का विपरीतार्थक शब्द पहचानिए। ऑप्शंस हैं खेद, खरीद, विक्रय या फिर विक्री। तो जो क्रय का विपरीतार्थक होगा वो है विक्रय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं तड़ाग, शतदल, जलाशय या फिर सर। तो जो किसका पर्यायवाची नहीं है, सरोवर का, वो है शतदल। क्यों, क्योंकि शतदल जो है वो कमल का होता है। ठीक है, बाकी तो सही है, ये सारे किसके हैं, सरोवर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस हैं लंकेश, सुमित्रा पुत्र, नरेश सॉरी नरेंद्र या फिर लोकेश। तो एक अन्य पर्यायवाची शब्द पूछा है इसमें से, तो वो है सुमित्रा पुत्र, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो लंकेश है वो रावण का होता है, ठीक है, और जो नरेंद्र है वो किसका होता है, नरेंद्र राजा का होता है, और जो लोकेश है वो ब्रह्मा का होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं वीर, तुच्छ, धीर या फिर सज्जन। ठीक है, तो जो महान का विपरीतार्थक इसमें से शब्द होगा वो हो जाएगा आपका तुच्छ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। इस वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है। ऑप्शन दे रखे हैं क्रिया विशेषण, विशेष्य, विशेषण या फिर संज्ञा।
ठीक है। तो देखिए जो सुहावना पूछा है, अब सुहावना क्या है ये बताइए, तो ऑब्वियस ही बात है ना, मौसम की विशेषता बता रहा है सुहावना शब्द से, तो विशेषण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अग्र का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन है पूर्व, आगे, पश्च या फिर नीचे। बोलने में ही साउंड से पता चल रहा है अग्र का पश्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शंस दे रखे हैं शक्ति, ईंधन, ऊर्ध्वांग या फिर उदग्र। तो जो ऊर्जा का समानार्थी शब्द होता है वो क्या होगा, शक्ति, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कुछ बच्चे इधर आओ, ठीक है, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानना है। ऑप्शंस हैं संकेतवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। देखो कुछ बच्चे इधर आओ, अब यहाँ बताइए कि क्या होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना है ना वो हो जाएगा संख्यावाचक, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चे गिन सकते हैं आप, ठीक है। जो परिमाणवाचक, यहाँ दोनों में, इन दोनों में कन्फ्यूज हो सकता है, इनमें तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो परिमाणवाचक होता है जो मापतोल की चीज़ें होती हैं उनमें परिमाणवाचक आता है, ठीक है, और यहाँ संख्यावाचक जो गिनने वाली चीज़ें होती हैं उनमें आपका सी यानी कि संख्यावाचक आएगा। नेक्स्ट है, और दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक भी दो तरीके का होता है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। फिर एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, पहले बता चुकी हूँ, निश्चित संख्यावाचक यानी कि एग्जैक्ट नंबर दिया होगा, जैसे 10 रुपये, 5 रुपये, अभी पहले एक क्वेश्चन आया था 25 रुपये वाला, ठीक है, और अनिश्चित संख्यावाचक भी आ गया, कुछ बच्चे इधर आओ। परिमाणवाचक में भी सेम ऐसा ही होता है, जैसे कि 2 किलो आलू या फिर 3 किलो, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर बोलें कि कुछ चावल, कुछ कुछ करके ऐसे लगा दें या फिर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी बताना है। ऑप्शंस हैं विषैला, पाप, भयंकर या फिर महाविष। तो किलमिश का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर पाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। चलिए बताइए, अभी समझाया तुरंत, ठीक है, मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या पूछा है, वाक्य में विशेषण पहचानिए, ठीक है। तो ए है संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक या फिर गुणवाचक या फिर संकेतवाचक, फटाफट से बता दीजिए। देखिए यहाँ पर ना परिमाणवाचक आएगा, ठीक है। अब परिमाणवाचक में भी अगर आपसे ये पूछा जाता, यहाँ पर दे देते कि अनिश्चित परिमाणवाचक या फिर निश्चित परिमाणवाचक, तो आंसर क्या होता, तो आपका आंसर होना चाहिए था निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि उसने एग्जैक्ट बताया है 3.5 मीटर, ये नहीं बोला कि कुछ कपड़ा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दिए, मैं नीचे खुद से जोड़ देती हूँ इसमें, नीचे दिए गए विकल्पों में से एषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शंस हैं अभिलाषा, लोभ, प्यार या फिर लालच। तो एषणा का क्या पूछा गया है, एषणा का समानार्थी पूछा गया जो कि अभिलाषा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शंस हैं तंग दिल, कंजूस, उदार या फिर उधार। देखिए उदार या उधार, कृपण का जो विरुद्धार्थी यानी कि जो विलोम होगा वो उदार होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, दिए गए विकल्पों से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनना है। ऑप्शंस दे रखे हैं अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित या फिर सृजित। तो उपार्जित का क्या होगा, अनुपार्जित, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं शांत, विस्मृति, बोझ या फिर अनुभूति। तो बोध शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनुभूति, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे तो थोड़ी ही भूख है, नेक्स्ट है अरे बहुत ही सुंदर फूल है, उसके बाद है आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं, उसके बाद है बच्चे समझदार हो गए हैं। बताना क्या है, प्रविशेषण किस में नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए अब हम आपको बता देते हैं, पहले तो प्रविशेषण किस में नहीं है, बच्चे समझदार हो गए इसमें नहीं है, बाकी में अगर प्रविशेषण है तो भाई कहाँ पर है ये भी तो जानना जरूरी है ना। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हो गए हैं, देखो खट्टे हैं क्या है ये विशेषता, लेकिन कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं ये विशेषता की भी विशेषता यानी कि प्रविशेषण हो गया, ठीक है। अब मुझे थोड़ी ही भूख लगी है, इसमें
थोड़ी ही जो है ना ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, सुंदर क्या है विशेषण, बहुत ही प्रविशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आपका 53, दिए गए विकल्पों से सही वाक्य चुनना है, ऑप्शंस दे रखे हैं, तीन नगरों का नाम बताइए, तीन नगर के नाम बताइए, तीन नगरों के नाम बताइए, या फिर तीन नगर का नाम बताइए, करेक्ट आंसर बताइए। पढ़ने में तो सब सेम लग रहे हैं बिल्कुल। देखिए तीन नगरों के नाम बताइए, बहुत ही ईजी सा है, अब इसमें भी सोचना पड़े तो फिर क्या करें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है, ऑप्शंस हैं तुम इसका दाम देते जाओ, ठीक है जाओ, ये तो भाषा कुछ अपनी सी ही हो गई, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है देखिए करेक्ट आंसर जो होगा ना वो बी होगा, यानी कि तुम इसके दाम देते जाओ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है किंचित शब्द, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या है, ठीक है ऑप्शंस है कुछ, थोड़ा, लेकिन या फिर परंतु, तो इसका जो हो जाएगा तत्सम वो हो जाएगा तद्भव, पूछा है ना ये तत्सम है, कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है, ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं आपको, ललित को दो बेटियाँ हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी नहीं कसौटी होना चाहिए था। नेक्स्ट है डर के मारे चोर दौड़ गया, उसके बाद है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से क्या हो जाएगा। ठीक है देखिए ललित को दो बेटियाँ हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, एक बार फिर से मैंने पढ़ दिया क्योंकि मैंने भी पहली बार में थोड़ा सा ऐसे पढ़े थे। देखो परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पर गलतियाँ क्या, बाकी में अगर पूछना चाहते हो तो बता देती हूँ एक बारी, पहले इसमें दूसरे में तो मैंने खुद ही बोल दिया था कसौटी नहीं होता है वो कसौटी होता है, ठीक है यहाँ पर तो ये वाली मिस्टेक हो गई थी। अब दौड़, दूसरा क्या लिखा हुआ है कि डर के मारे चोर दौड़ गया, चोर दौड़ गया नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है क्या होगा चोर भाग गया, ये वाली गलती यहाँ पर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि ललित को दो बेटियाँ हैं, इसमें क्या गलती है, ललित को दो बेटियाँ होगा या फिर ललित के दो बेटियाँ होगा, तो इस पे ये गलती हो गई। ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है, मोरों के पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, या फिर मोरों के पंख सुंदर होते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों मोरा कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है, ऑप्शंस दे रखे हैं, मैंने आपसे प्रणाम किया था, ये कब बोलते हैं, मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया हूँ, सॉरी मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, बता दीजिए सही कौन सा है। ठीक है देखो सही हो जाएगा मैंने आपको प्रणाम किया था, ऑप्शन नंबर सी, ये हम तब बोलते हैं जब किसी बड़े को हम प्रणाम करते हैं और वो नहीं सुन पाते हैं, फिर बाद में वो हमको प्रणाम करते हैं, ठीक है एक ताने के रूप में प्रणाम करते हैं, तब बोलते हैं हमने आपको किया था, चाहे किया ना हो कई बार तो ऐसे बोल देते हैं कि हमने किया था, आपने सुना नहीं था। नेक्स्ट है गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन है पतला, सुख, गड्ढा या फिर ढीट, देखो भाई पतला हुआ, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। सुख का क्या होता है, सुख का क्या होता है, सुख का दुख होता है, ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट है सुख का दुख होता है, और इसके अलावा यहाँ पर ढीट, ढीट का क्या होता है, ढीट का विनीत हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ऑप्शंस दे रखे हैं, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, पूछा क्या गया है आपसे कि कहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई सैकड़ों लोग मारे गए कोई उन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, प्लीज़ बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है और वैसे तो कोई गलती करी नहीं है, अगर हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।